और अब अच्छी खबर, देश की पहली रैपिडेक्स रेल का इंतजार आज खत्म होने वाला है। पीएम मोदी आज देश को रैपिड रेल का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी रैपिड रेल का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सुबह साहिबाबाद पहुंच रहे हैं, रैपिड ट्रेन को यहीं पर हरी झंडी दिखानी है। नमो भारत देश की पहली रैपिड ट्रेन का नाम रखा गया है और ये ट्रेन अब आम लोगों को मिलने वाली है 21 अक्टूबर से आम यात्री इस सफर का आनंद ले सकेंगे। खास तौर पर इंतजार हो रहा था उन लोगों को जो कि मेरठ से दिल्ली अप डाउन करते हैं और उन्हें बड़ा लंबा इंतजार है कि कब इस ट्रेन की शुरुआत हो जाए, कब उनका जो रास्ता है वो आसान हो जाए, वो जो समय लगता है, वो जो जाम की समस्या रहती है उससे निजात मिल पाएगी। आज देश को पहली रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी साहिबाबाद में रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रैपिड रेल शुरू होने से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लोगों को खास तौर पर फायदा होगा। इस रेल की खासियत ये है कि इसमें बैठने की व्यवस्था किसी विमान के जैसी होगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन में आरामदायक और पीछे तक झुकने वाली सीटें लगाई गई हैं, रेक्नाइलर जिसे बोलते हैं। हाईटेक कोचों में डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है जिस पर यात्री किसी भी समय ट्रेन का अपना रूट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल स्क्रीन पर चल रही ट्रेन की मौजूदा स्पीड का भी पता लगाया जा सकेगा। हर एक रैक में 6 कोच हैं, 1 प्रीमियम और 5 स्टैंडर्ड होंगे। प्रीमियम कोच के लिए यात्रियों को ज़्यादा किराया देना होगा, जबकि स्टैंडर्ड कोच में उसमें से 1 कोच महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। रैपिड रेल में 50% से ज़्यादा महिला कर्मचारी होंगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 15 मिनट होगी, यानी कि हर 15 मिनट में ये ट्रेन चक्कर काटेगी। ट्रेनें हर एक स्टेशन पर 30 सेकंड के लिए रुकेंगी, जिस तरह दिल्ली मेट्रो रुकती है। पीएम मोदी कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद से दुहाई डिपो खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। अभी इसके पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक यानी कि 17 किलोमीटर के रास्ते को ही खोला जाएगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन आते हैं। इसमें स्टेशन साहिबाबाद है, गाजियाबाद है, गुलधर है, दुहाई है और दुहाई डिपो है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई है 82 किलोमीटर, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में है। शुरुआत में सिर्फ 17 किलोमीटर के इस पैसेज को खोला जा रहा है। इंडिया न्यूज़ ने रैपिड रेल में जाकर जायजा भी लिया और देखा कि आखिर कैसे ये ट्रेन अंदर से दिखती है, किस तरीके से आरामदायक होगी और कैसी सुविधा अब यात्रियों को मिलने वाली है। जिस घड़ी का आम जनता को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। जी हम बात कर रहे हैं रैपिड ट्रेन की, जो कि नमो भारत के नाम से भी अब जानी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है और पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस आएंगे। तकरीबन 10 बजे का उनका समय रखा गया है, उसके बाद 11 बजे तक यहीं पर स्टेशन साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचेंगे। अंदर का भी हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके की जो तैयारियां हैं, भव्य तरीके से सजा दिया गया है पूरे स्टेशन को। आप देख सकते हैं ये तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी जो है पूरे गाजियाबाद में जगह जगह चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, और तमाम जो सुविधाएँ हैं, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और साथ ही तयशुदा जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया है उस प्रोग्राम के हिसाब से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर जो है ट्रेन को रवाना करेंगे। और साथ ही तकरीबन जो 17 किलोमीटर का जो सफ़र जो है ट्रेन के अंदर करेंगे, और जिसमें कि छात्र छात्राओं के साथ ये बताया गया है कि छात्र छात्राएं उस वक्त मौजूद होंगे। जो 17 किलोमीटर का सफ़र रहेगा फर्स्ट फेज में, इसको आज शुरू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आम जनता को आज इसका लुफ्त उठाने को हालांकि कल से मिलेगा, पर देश के प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन कर देंगे। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। ट्रेन, और इस वक्त हम रैपिड एक्स ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और ये ट्रेन जो है वो साहिबाबाद से चल चुकी है। साहिबाबाद से दुहाई डिपोर्ट तक ये ट्रेन जो है वो जाएगी और ये एक व्यू जो है वो दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। पैरानोमिक व्यू जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और आपको बता दें स्टेबिलिटी किस तरीके से हम लोग चलती ट्रेन में मौजूद
मौजूद है लेकिन कितना स्टेबल है। स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है, इसको ऐसा बनाया गया है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो किस तरीके से ये जो ट्रेन है इसके अंदर आप सीट्स देख सकते हैं, कंफर्टेबल वे में इन सीट्स को बनाया गया है, वाइडर सीट्स है, लेग रूम स्पेस देखें तो आप काफी ज्यादा लेग रूम स्पेस भी बनाया गया है, चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको सामने भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ट्रेन की स्पीड जो है वो भी आप देख सकते हैं, इस वक्त ट्रेन की स्पीड क्या है वो भी मेंशन कर रहे हैं, टाइम मेंशन किया गया। इसी के साथ ही जो स्टेशन है वो भी आप देख सकते हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डीपोर्ट, अभी 5 स्टेशन है जो ट्रेन ये कवर करेगी। ये फर्स्ट फेज है रैपिड एक्स ट्रेन का जो कि ये कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद पूरे 5 फेज हैं इसके अंदर जो कंप्लीट किए जाएंगे। दिल्ली से मेरठ के बीच में ये रैपिड एक्स ट्रेन जो है वो चलने वाली है। आपको बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि अगर इसके स्टाफ की बात करें तो 50% से ज्यादा स्टाफ जो है इसमें वो महिला स्टाफ है, इसको चलाने वाली जो लोको पायलट है वो भी महिला है, और इसीलिए ये मेक इन इंडिया का जो विजुअल्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं, मेक इन इंडिया की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से इसको बनाया गया है, तमाम जो सुविधाएं हैं उससे लेस है। वो व्यू आप देख सकते हैं, पैनोरामिक व्यू जो है वो इसमें बैठ कर देखा जा सकता है। देखने में ये काफ़ी मेट्रो की तरह लगती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस जो है वो मेट्रो से इसमें साफ नज़र आ रहा है, किस तरीके से इसको डिफरेंट जो है वो बनाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शानदार तस्वीरें हैं, शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें रखी गई हैं ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको तकलीफ ना हो, वहीं जो टाइम पीरियड है उसको भी काफ़ी डिक्रीज किया गया है। दिल्ली से मेरठ जाने में जहाँ 2 घंटे लगते थे अगर जैम में फंस जाए तो वो समय और भी बढ़ जाता था, लेकिन अब वही समय जो है आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे में ये सफ़र जो है वो दिल्ली से मेरठ के बीच में कंप्लीट कर लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। पूरी लागत का प्रोजेक्ट की बात करें तो 30,200 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। मेक इन इंडिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये पूल्स जो है वो भी बनाए गए हैं, अगर पैसेंजर को सीट नहीं मिलती है वो खड़े होते हैं तो वो पकड़ कर भी खड़े हो सकते हैं। और अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस वक्त चलती हुई ट्रेन में मौजूद हैं। देखिए जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन के अंदर मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल वे में जो लोग हैं उसमें सीटेड हो सकते हैं। मेक इन इंडिया की तस्वीर शानदार, इंडिया की फर्स्ट रीजनल ट्रेन बनकर तैयार है। और तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर है इस ट्रेन की जो हम आपको दिखा रहे हैं, रैपिड एक्स ट्रेन के नाम से ये ट्रेन जानी जाएगी, जो ये फर्स्ट फेज है जो बनकर तैयार है। इसको आपको बता दें फर्स्ट फेज में 5 स्टेशन जो है वो कवर किए जाएंगे, शहीबाबाद, गाजियाबाद से दुहाई डीपोर्ट तक ये ट्रेन जो है वो चलने वाली है फर्स्ट फेज में। जो टोटल इसका टारगेट है वो दिल्ली से मेरठ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करना है, जो सफर आप 2 घंटे में पूरा करते थे वो सफर अब सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी प्रीमियम क्लास की ये ट्रेन जो है वो बनाई गई है। इसकी खास बात ये भी है कि इसमें 50% से ज्यादा जो स्टाफ है वो महिला स्टाफ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वाइड सीट्स हैं वो बनाई गई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, कंफर्टेबल सीट्स जो है वो इस ट्रेन में बनाई गई है। अगर लेग रूम स्पेस आप एरिया देखेंगे वो भी काफी ज्यादा जो है वो बनाया गया है। साथ ही साथ हर सीट पे मोबाइल चार्जर जो है चार्जर वो दिया गया है, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। इसी के साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो इसमें दिया गया है, पैरानॉर्मल व्यू जो है वो भी आपको यहाँ से जो मिल सकेगा। वहीं अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर पर आवर तक ये जो स्पीड है इसकी वो जा सकती है, यानी कि वो इसको फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो भी बनाता है। आपको बता दें तमाम सुविधाएं हैं इसमें, एक अलग से वुमेन कोच जो है वो भी दिया गया है महिलाओं के लिए। इसी के साथ साथ सुरक्षा का भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं, सुरक्षा के बलों को तैनात किया गया है ट्रेन में। इसी के साथ ही प्रीमियम क्लास जो है वो भी रखा गया है, जिसका जो अगर फेयर की बात करें, टिकट की बात करें तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे ज़्यादा होगा, लेकिन उसको और भी कंफर्टेबल जो इंटरनेशनल जो सुविधाएं हैं वो भी उसमें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं डिजिटल स्क्रीन जो है वो
भी लगाई गई है ताकि जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन जो है स्टेशन की वो भी मिल सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रैपिड एक्स जो ट्रेन है वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है ताकि लोगों को जो डिस्टेंस है कवर करने में वो कम हो जाए। दिल्ली से मेरठ के बीच में ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसका फर्स्ट फेज जो है वो बनकर तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुविधाओं के साथ, अनेकों सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया। अगर इसकी लागत की बात करें तो 30,200 करोड़ से भी ऊपर की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसका फर्स्ट फेज जो है वो बनकर तैयार है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज। इस वक्त हम रैपिड एक्स की प्रीमियम क्लास में मौजूद हैं। ये नॉर्मल जो क्लास है उनसे अलग है और इसका स्टैंडर्ड प्राइस से भी डिफरेंस जो इसके प्राइस में भी वो भी देखने को मिलेगा, थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा होगा। लेकिन आपको इसमें दिखाना चाहेंगे डिक्लाइनिंग सीट्स जो है वो इसमें रखी गई हैं, मोर कम्फर्टेबल सीट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। इसी के साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि चार्जिंग पॉइंट जो है वो लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी इस प्रीमियम क्लास में दिया गया है। इसी के साथ ही कर्टेंस जो है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी अगर कंटेन डालना चाहता है वो कर्टेंस डाल सकता है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ ही सामान रखने के लिए जो जगह है वो भी यहाँ पर बनाई गई है, बैग कैरियर जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो लोग हैं वो अपना सामान रख सकें। इसी के साथ ही हम और चीज़ें भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी दिखाएं कि बॉटल होल्डर जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ ही अगर कोई सामान रखना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर स्पेस दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर, एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर उनको फर्स्ट टाइम इसमें ट्रेवल करके कैसा लग रहा है। हम भी बैठकर देखेंगे। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स जो है, डिक्लाइनिंग सीट्स भी दी गई हैं ताकि पैसेंजर्स को ट्रेवल करने में कोई दिक्कत ना हो। आपने भी आज पहली बार ट्रेवल किया है, कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस था? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये ट्रेन बहुत कम समय में बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये वर्किंग क्लास के लिए प्रीमियम क्लास का जो डिब्बा है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे धूप से बचने के लिए शेड भी है और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ बैठकर आप आराम से कितना भी लंबा डिस्टेंस हो वो आप कवर कर सकते हैं बहुत कम्फर्टेबली। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें 50% से ज़्यादा स्टाफ जो है वो महिलाओं का है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ ही इसका जो ड्राइवर, लोको जो पायलट है, वो भी एक महिला है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उसको मैं विमेन एम्पावरमेंट के नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि आने वाला समय विमेंस का ही है, वी ऑल नो दैट। और काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का जो कहते हैं एम्पावरमेंट, वो हुआ है इस रैपिड एक्स ट्रेन की वजह से, क्योंकि काफ़ी बढ़ावा मिला है हमें, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो इन्होंने आज पहली बार रैपिड एक्स ट्रेन, जो कि इंडिया की फर्स्ट रीजनल ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है, उससे ट्रेवल किया है, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही थी। इसी के साथ ही आपको हम और तस्वीर इसके अंदर की दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली तस्वीर है जो दर्शक देख पा रहे हैं इस ट्रेन के अंदर की, रैपिड एक्स ट्रेन की, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। वहीं आपको तस्वीरें दिखाएं तो CCTV कैमरे जो है वो भी लगाए गए हैं, जिससे सर्विलांस जो है, जो कि निगरानी रखी जा सके, आकर अंदर प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो रहा है, सेफ्टी का मेजर जो है वो भी ध्यान में रखा गया है। सेफ्टी को लेकर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस का वो भी मेट्रो में देखने को, इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। बहुत ही सुविधाओं से लेस इस ट्रेन को, रैपिड एक्स ट्रेन को बनाया गया है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं रैपिड एक्स ट्रेन से, और इस बटन को जब पुश करेंगे, इस पर साफ लिखा गया है तभी ये दरवाजा खुलेगा। लाइट, ये देखिए, हमने पुश करा है और अब हम रैपिड एक्स ट्रेन से, जो इंडिया की फर्स्ट रीजनल ट्रेन है, उससे बाहर निकल रहे हैं। ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शहीबाबाद स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। शहीबाबाद से दुहाई डिपोर्ट तक का ये सफ़र था, जो 70 किलोमीटर है वो सिर्फ 15 मिनट में ट्रेवल कर लिए हैं इस रैपिड एक्स ट्रेन की वजह से। तो पूरी जो प्रीमियम क्वालिटी है वो इसमें दिखाई दे रही है। सफ़र की जो टाइमिंग है वो जो है बहुत कम हो गई है। 5 फ्रेज है जिसका ये फर्स्ट फ्रेज जो है वो बनकर तैयार है। तमाम सुविधाएं दी गई हैं, CCTV कैमरा लगाए गए हैं, प्रीमियम क्वालिटी की जो सीट्स हैं वो बनाई गई हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं। इसी के साथ ही डिजिटल स्क्रीन जो है वो भी लगाई गई है। हम अंदर जाकर भी इसका व्यू देख कर आए हैं, किस तरीके से कंफर्टेबल
सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ इसको बनाया गया है। शहीबाबाद स्टेशन पे इस वक्त मौजूद है, यहाँ से दुहाई डिपोर्ट तक ये ट्रेन जा रही है। 5 स्टेशन जो है वो बीच में पड़ रहे हैं। पूरा 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट आपको बता दें दिल्ली से मेरठ तक का है, जिसको 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा। और कीमत की बात करें इसकी तो 30,200 करोड़ की लागत से बना हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है। रैपिड एक्स ट्रेन जो है बनकर तैयार है इस वक्त। अभी हम इसमें अंदर भी मौजूद थे, हमने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है, और अब हम इसके बाहर मौजूद हैं। तमाम टेक्नोलॉजीज के साथ इसको बनाकर तैयार किया गया है। अगर इसके अंदर की बात करें तो अगर इसके ऑपरेशनल स्टाफ की बात करें तो इसमें 50% से ज़्यादा जो है महिला स्टाफ है। इसका जो पायलट है इनकी वो भी महिला, लोको पायलट जो है वो भी महिला है। तो इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ मेक इन इंडिया की तस्वीर जो है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। देश की पहली रैपिड रेल की खासियत आपने जानी, अंदर की तस्वीरें आपने देख ली। बस थोड़ी देर बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, आम लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, जिस पल का इंतजार आम लोगों को था, दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक का सफर आसान इसी रैपिड रेल की वजह से होने वाला है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच भी चुके हैं इस रैपिड रेल का उद्घाटन करने के लिए। सीएम योगी साथ में मौजूद है, और ये देखिए उद्घाटन हो चुका है। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन में सफर करेंगे, इस ट्रेन की खासियत के बारे में जानेंगे। और ये सफर कुछ छात्र छात्राओं के साथ में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन शुरुआत आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने QR कोड को स्कैन किया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का जेस्चर देखा गया है, जहां वो अपने लिए टिकट खरीदते हुए नजर आते हैं, या QR कोड से हो सकता है उन्होंने पेमेंट की हो, या फिर ये यहाँ एंटर करने का एक प्रोसेस का हिस्सा हो, जिसमें पीएम मोदी ने अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन किया, फिर आगे बढ़े। और उसके बाद उद्घाटन अब रैपिड ट्रेन का हो रहा है। नमो भारत नाम रखा गया है इस रैपिड रेल का। और ये तस्वीर आप देखिए, जैसे आप मेट्रो में सफ़र करने से पहले टोकन लेते हैं, फिर वहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टोकन लिया। टोकन के बाद उन्होंने एंट्री की और फिर रैपिड रेल का उद्घाटन करते हुए। इस दिन का इंतज़ार बहुत ज़्यादा उन लोगों ने किया है जो मेरठ से दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं, जो जाम की समस्या से परेशान रहते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में जब मेट्रो चलती है और उसकी खासियत लोग जानते हैं तो समझते हैं कि न सिर्फ जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि बड़ी आरामदायक ये ट्रेन रहेगी सफ़र के लिहाज से। ऐसे में शुरुआत में तो अभी 17 किलोमीटर के इस रूट को खोला जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही दिल्ली से मेरठ तक सफ़र आसान होने वाला है, बेहतर होने वाला है। 21 अक्टूबर वो तारीख रहेगी। और ये देखिए, मुझे लगता है ये पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया जा रहा है, ये जो एक तरीके से छोटी सी फिल्म वहाँ पर चल रही है वो ये बताते हुए कि प्रोसेस क्या होगा। पहले QR कोड है, उसे स्कैन किया गया, उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। और वही प्रोसेस अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, जिसके बाद वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए और अब ट्रेन के बारे में खासियत जान रहे हैं। ट्रेन के अंदर अब जो लोग यात्रा करेंगे उनके लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी, इस बात की जानकारी पीएम मोदी खुद जान रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ में मौजूद हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब जब पूरा होकर आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है तो फिर खुश भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तालियों के साथ स्वागत भी कर रहे हैं RRTS का रैपिड रेल, जो कि अब आम लोगों के लिए 21 अक्टूबर से पूरी तरह से तैयार है। 21 अक्टूबर यानी कि कल से लोग इसमें सफ़र भी कर पाएंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। यात्रा करके ये भी अनुभव करेंगे कि आखिर इस ट्रेन में जब सफ़र करेंगे यात्री तो उन्हें क्या एहसास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल के बारे में जानकारी डिजिटली जान रहे हैं, और आरामदायक सफ़र अब होने वाला है। दिल्ली से मेरठ वालों को ख़ास तौर पर ये फ़ायदा मिलने वाला है।
और सफ़र आसान रहता है तो फिर ज़िंदगी भी आसान रहती है। इस तरह के आरामदायक सफ़र के लिए एक तरफ वंदे भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए की गई और अब रैपिड रेल, ये देखिए फिर से वो तस्वीरें जिसमें QR कोड स्कैन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद उन्होंने टोकन लिया, एंट्री की और फिर अब रैपिड रेल को लेकर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए। लोगों ने इंतजार लंबा किया और ये इंतजार अब खत्म होने की बारी आ चुकी है। जैसे मैंने कहा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, यहाँ आपस में इन शहरों को कनेक्ट करते हुए जो सफ़र रहता है वो बड़ा मुश्किल रहता है, थकान भरा भी रहता है, जाम भी रहता है, जगह जगह लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन अब ये सफ़र बेहद आसान हो जाएगा। और अब अभी शुरुआत में 17 किलोमीटर का ये जो पैच है, ये जो रूट है, इस पर इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत जल्द जो बचा हुआ हिस्सा है वहाँ पर भी ये ट्रेन दौड़ती हुई भागती हुई नज़र आएगी जो सीधे सीधे मेरठ से कनेक्ट होगी। अभी 17 किलोमीटर ये जो प्राथमिकता वाला खंड है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कल से यानी कि 21 अक्टूबर से आम यात्रियों के लिए ये ट्रेन खोली जा रही है और इस ट्रेन में सफ़र लोग कर पाएंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं वो साहिबाबाद और दुहाई डिपो को जोड़ने वाली जो पहली रैपिड रेल है उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, RRTS कॉरिडोर 17 किलोमीटर का ये खंड। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन में सफर करते हुए भी नजर आएंगे, आगे जो तस्वीरें होंगी आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे।